बीजेपी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। पार्टी हाईकमान ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए राज्यसभा के लिए डॉक्टर सिकंदर कुमार के नाम पर मोहर लगाई। सिकंदर कुमार हिमाचल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और उन्होंने अगस्त 2018 को कुलपति का कार्यभार संभाला था। मूल रूप से जिला हमीरपुर के रहने वाले डॉक्टर सिकंदर बीजेपी संगठन में सक्रिय हैं और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवारों के नामों के बाद हिमाचल के उन बीजेपी दिग्गजों की उम्मीदों को झटका लगा है जो राज्यसभा में जाने के लिए राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक जबरदस्त लॉबिंग में जुटे हुए थे। विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के आधार पर बीजेपी उम्मीदवार का राज्यसभा जाना तय है। वर्तमान सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए 31 मार्च को मतदान होगा। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कौन है प्रोफेसर सिकंदर कुमार। कौन है प्रोफेसर सिकंदर कुमार? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आपको बता दें 1984 में स्कूल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। पूर्व उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में गुरु रविदास विश्व महापीठ के महासचिव भी हैं। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रहे हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार। बीजेपी इकोनॉमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी रहे हैं। वर्तमान में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार। कई संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। और चलिए हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल का रुख करते हैं और ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। अंकुश, कई सारे नाम इस सूची में शामिल थे, कई नाम चर्चाओं में थे कि राज्यसभा के लिए हिमाचल से पार्टी उन्हें भेज सकती है, लेकिन चुनाव हुआ प्रोफेसर सिकंदर कुमार का। आखिर ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स प्रोफेसर सिकंदर कुमार के पक्ष में रहे जिसके चलते पार्टी ने प्रोफेसर सिकंदर कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है? बिल्कुल रितेश, चर्चा थी बड़े बड़े नामों की, बड़ी बड़ी शख्सियतों की और बड़े बड़े चेहरों की जो राज्यसभा जाने के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे थे। न केवल प्रदेश स्तर पर लॉबिंग की जा रही थी बल्कि केंद्र के स्तर पर भी लॉबिंग की जा रही थी, लेकिन सिकंदर कुमार का नाम दूर दूर तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय आलाकमान ने सिकंदर कुमार का नाम तय किया है तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि सिकंदर कुमार भारतीय जनता पार्टी के एक नए सिकंदर बनकर उभर रहे हैं। और खास बात यह है कि ये पहले ऐसी चेहरे हैं जो बीजेपी की ओर से राज्यसभा जा रहे हैं और अभी तक फिलहाल राज्यसभा में बीजेपी की ओर से कोई भी ऐसी चेहरा अभी तक राज्यसभा नहीं गया है। और खास बात यह भी है कि प्रदेश के वो दूसरे ऐसे चेहरे होने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस के रोशन लाल हुआ करते थे जो एक ऐसी चेहरे थे और मूलतः कसौली के रहने वाले थे, वो इससे पहले राज्यसभा गए थे। ऐसी वोट पर एक बड़ी पकड़ प्रोफेसर सिकंदर कुमार की मानी जाती है और साल 2017 के चुनाव में उन्होंने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए काम किया था और उस समय उनकी अच्छी खासी पकड़ देखने के लिए मिली थी। जब वो विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए थे उस समय भी ये माना जा रहा था कि कुलपति के तौर पर उनके लिए संघ ने लॉबिंग की है और संघ की वजह से वो कुलपति के पद पर आए हैं। बहुत कठिन उनका कार्यकाल रहा, लगातार उन्हें कई विरोध झेलने पड़े, लेकिन सिकंदर कुमार सिकंदर की तरह कुर्सी पर डटे रहे और उन्होंने लगातार विश्वविद्यालय के काम भी किया। और प्रोफेसर सिकंदर कुमार ये भी दावा लगातार करते आए हैं कि जिस तरह से विश्वविद्यालय में उनके कार्यकाल में काम हुआ है वो काम अभी तक पिछले बीते कई सालों में देखने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया रितेश कि अभी किसी का भी नाम जो है प्रोफेसर सिकंदर कुमार का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, अचानक सिकंदर कुमार कैसे इस दौड़ में आ गए? सिकंदर कुमार दरअसल एससी वोट पर बहुत ज्यादा पकड़ रखते हैं और सिकंदर कुमार ने लंबे समय से काम किया है। साल 1984 में जिस तरह से आपने भी दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि साल 1984 में संघ के साथ जुड़ गए थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया और उसके बाद जब विश्वविद्यालय में आए तो भी वो काम करते लगातार यहाँ पर नजर आ रहे थे और इसी का तोहफा अब कहीं ना कहीं सिकंदर कुमार को मिलता नजर आ रहा है। और दलित वोट पर जो है बीजेपी की नजर है क्योंकि साल 2022 में मिशन रिपीट की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भले ही हिमाचल प्रदेश ये दावा करता हो कि यहाँ पर जाति पाति की राजनीति नहीं की जाती, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और जो राजनीतिक जानकार है हिमाचल प्रदेश के वो यही मानते हैं कि जो वोट्स हैं दलित के
वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अंकुश कहीं ना कहीं जिस तरह से फैसला अभी लिया गया है उसकी जो दूरदृष्टि है वो चुनावों पर पहुंचती हुई नजर आती है। हालांकि उस पर बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से अब प्रोफेसर सिकंदर कुमार के नाम का ऐलान हुआ है, उम्मीदवार घोषित किया गया, हालांकि ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी के पास है। ऐसे में इन चुनावों के बाद राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने जा रहा है, इसका असर भी अंकुश कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जरूर पड़ेगा। बिल्कुल रितेश, आपने स्पष्ट ये कहा है, 43 सीट अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की है, 22 विधायक अभी कांग्रेस के, यानी कि साफ साफ डबल डबल आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई उम्मीदवार भी राज्यसभा के लिए उतारा नहीं जाएगा, यानी कि स्पष्ट तौर पर अब कहीं ना कहीं सिकंदर कुमार को राज्यसभा, हम ये मान सकते हैं कि वो राज्यसभा लगभग पहुंच गए, केवल 31 मार्च को जो चुनाव होने वो प्रक्रिया भी बाकी रहती है और औपचारिक तौर पर वो 31 मार्च को राज्यसभा चल जाएंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया, क्योंकि साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट की बात कर रही है, वो मिशन रिपीट बहुत अहम होने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में स्वर्ण आयोग का एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन चल रहा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामान्य आयोग का गठन भी किया था। उस समय यह माना जा रहा था कि किसी एक ऐसे चेहरे को लाया जाएगा जो क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज को संतोष कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए जानी जाती है क्योंकि हमेशा चौंकाने वाले फैसले देती है, और ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला है कि सिकंदर कुमार, जिसका एक बहुत बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में माना नहीं जाता था, और अब वो सिकंदर कुमार एक नए चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, और आने वाले दिनों में सिकंदर कुमार को दलित नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी यहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे, ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। और साल 2022 में निश्चित तौर पर फायदा होगा, हमीरपुर जिला से वो संबंध रखते हैं और छोटे से परिवार से वो बाहर निकल कर आए हैं और राजनीति में उन्होंने अपना नाम बनाया है, और आज सिकंदर कुमार राज्यसभा की ओर जा रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए, और भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट को इससे साधने की कोशिश कर रही है। रितेश, अंकुश हमीरपुर जिले से आते हैं, पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है, पुरानी है बीजेपी संघ के साथ साथ, अब आने वाले वक्त में 2022 के विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं। बीते दिनों हमने उपचुनावों को भी देखा है, बीजेपी को वो नतीजे हासिल नहीं हुए वो जो चाहती थी। ऐसे में इस सीट पर राज्यसभा की जो नाम का ऐलान किया गया है प्रोफेसर सिकंदर कुमार का, वो किस तरह से जातीय समीकरण को मजबूत करेंगे पार्टी के पक्ष में, और क्या ऐसे मजबूत पक्ष उनके पहलू को लेकर हैं कि आने वाले 22 के चुनावों में जो इस साल होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी को फायदा सिकंदर कुमार के जरिए होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रितेश, आपने बहुत ही जायज सवाल किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया क्यों है। जिस तरह से मैंने सबसे शुरुआत में जिक्र किया था कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी दलित चेहरा राज्यसभा में आज तक नहीं भेजा है, सिकंदर कुमार पहले वो चेहरे होने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब राज्यसभा जाने वाले हैं, प्रदेश के दूसरे ऐसे चेहरे हैं। और चूंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को शिकस्त दी थी, उस समय भी ये माना जा रहा था, क्योंकि सिकंदर कुमार उस समय एससी मोर्चा के भी अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ी चोट जो है वो दलित वोट पर की थी और दलित वोट्स को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेकर आए थे। और अब कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जयराम ठाकुर लगातार ये दावे करते हैं कि मिशन रिपीट किसी भी हालत में होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मिशन रिपीट करने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसे में बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, हर जाति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को राहत देने का काम किया जाए ताकि मिशन रिपीट की राह लगातार आसान हो सके। और इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे यहां पर शामिल थे, एक ऐसे ऐसे चेहरों का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, उस लड़ाई में, उस रेस में सिकंदर कुमार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन सिकंदर कुमार का चेहरा जिस तरह से सामने उभर कर आया है, सिकंदर कुमार ने ये साबित कर दिया है कि वो सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश की राजनीति के नए सिकंदर हैं, और वो न केवल क्षेत्र की राजनीति के, बल्कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश को न्यू हिमाचल और ओल्ड हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, तो उस क्षेत्र के समीकरण को साधते हुए इस तरह सिकंदर कुमार कुछ कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जिस तरह से 31 को चुनाव होंगे राज्यसभा के लिए, और संख्या बल के आधार पर माना यही जा रहा है कि बीजेपी आसानी से जीत हासिल करेगी, देखना यही कि किस तरह से जातीय समीकरण जो बिठाए जा रहे हैं उनका फायदा विधानसभा के चुनावों में मिलता है। शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।